परमिता ते पदवींद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम जो जिने वर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव गुरु को धर्म को साजी को बारम्बार नमस्कार हो ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानं वयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चेतन्निरूपम् बोलिए सह शमेश थात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो अचल प्रवर सदगुरु तारण तरम लाचार जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय बहुत ही अद्भुत अनिर्वचनीय वचनों से बिल्कुल परे चिरेंद्र भगवान के सर्वांग से उत्पन्न हुई जो उनके गुणों के आचरण रूप वाणी है। याद रखना कल की देशना को बिल्कुल अपने चित्त में बसाने वाले जीवों के लिए है आज की देशना, जिनने कल की देशना को अपने हृदय में बसा कर रखा उनके लिए कि सर्व भगवान के सर्वांग से उनके सर्वांग से जो उनकी गुण में आचरण जो उनका गुणों में आचरण हो रहा है अनंत गुणों में जो उनका अनंत विलास हो रहा है उस अनंत विलास से उत्पन्न हुई दिव्य देवध्वनि शब्दों से उत्पन्न हुई नहीं, छोपसम ज्ञान से उत्पन्न हुई भी नहीं, उनके अनंत गुणों में अनंत आचरण से उनकी अनंत गुणों की निमग्नता से उत्पन्न हुआ अनंत अर्क शुद्ध प्रकाश अनंत अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश अनंत 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 सुख का प्रकाश जो उनके अंतरंग से उत्पन्न हो रहा है जो उनके सर्वांग से निकल रहा है वो अनंत प्रकाश वो दिव्य ध्वनि के रूप में वो ओंकारमय नाद के रूप में अपने आप ही चारों ओर प्रकाशित हो रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिक स्वयं व्यवस्थित वह प्रकाश सर्वांग से प्रभावित हो रहा है प्रकाशित हो रहा है प्रभावित हो रहा है और वह जो अनंत प्रकाश है वह जो अनंत प्रकाश है उसे अक्षर के माध्यम से स्वर के माध्यम से व्यंजन के माध्यम से पद के माध्यम से अर्थ के माध्यम से इस माध्यम से गूंथ के आचार्य भगवान स्वयं अपने पथ का अनुभव करते हुए स्वयं उस अर्घविंद स्वभाव में निमग्न होते हुए स्वयं उस अनंत प्रकाश को अपने अंदर में स्वानुभव करते हुए हम भव्य जीवों को प्रदान कर रहे हैं। अब यह जो अनंत प्रकाश उदित होकर आ रहा है यह जो अर्घविंद में जो ध्रुव सत्ता उत्पन्न होकर आ रही है यह जो स्वानुभव अनंत केवल ज्ञान का अनंत गुणों का विलास में ये जो स्वानुभव सर्व भगवान के अनंत 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 गुण में आचरण से प्रकट होकर आ रहा है हे भव जीवों यह उपदेश ही यह उपदेश ही अपने को अपने हृदय में अपने अनंत गुप्त गुणों को उजागर करने वाला क्योंकि गुणों से उत्पन्न होकर आया है ना, क्योंकि गुणों के आचरण से उत्पन्न होकर आया कहा ना पंडितों गुण पूजते क्योंकि गुणों के आचरण से उत्पन्न होकर आया यह जिन भगवान का उद्देश्य क्योंकि स्वयं में भी उनके गुणों के आचरण से उत्पन्न होकर आया स्वीकार करो हृदय अंतर आत्मा से स्वीकार करो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो शुद्ध उपदेश है आकर्ता आभोक्ता सुख स्वभावी
परम वितरा ज्ञानमय कमल स्वभाव सब प्रभावों से भिन्न शुद्ध बुद्ध अवेद अविनाशी एक तिनको क्यों अवैध सत्ता। यह जो जिनभर भगवान के जो उपदेश है या जो आप श्रवण कर रहे हो वह जिनभर भगवान का उपदेश स्वयं उनके ऐसे अनंत 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 जो असीमित अनंत गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयमेव स्वरूप रमणता उस अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन से यह अनंत गुणों का आचरण उदित होकर आया है। अभी हमें शब्द अर्थ व्यंजन हाँ तो शब्द से अर्थ अक्षर शब्द पद के रूप में अपना अक्षय अनंत सूर्यों के समान व्यक्त अपना चैतन्य केवल ज्ञानमय पद ये उनके अनंत आचरण से जो उत्पन्न होकर आया है ना जो अक्षय अपना अनंत केवल ज्ञानमय पद जो अक्षर स्वर व्यंजन के रूप में अपने को श्रवण करने मिल रहा है ये अक्षर स्वर पद में जो अर्थ व्यंजन स्वरूप है अपना व्यक्त स्वभाव है ये जो अपने को दिव्य ध्वनि से प्राप्त हो रहा है ये अपना स्वभाव ही वैसा ही आचरण में है। स्वीकार करो बिल्कुल बिल्कुल जैसे अभी वो अनंत सुख में विलस रहा है जैसा अभी उनका अस्तित्व अनंत केवल ज्ञान दर्शन में विद्वान है जैसा अनंत 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 केवल ज्ञान केवल दर्शन उन्हें प्रकाशित हो रहा है जैसे वह इस क्षण अनंत अनंत गुण में अनंत गुणों में ही आचरण कर रहे हैं वैसा ही जैसा इस दिव्य ध्वनि में उत्पन्न हो रहा है वैसा ही अनंत गुणों में मेरी चेतना विलास कर रही है वैसे ही अनंत गुण मेरे ध्रुव हृदय में विद्वान है मेरा सम्यक मेरे हृदय में विद्वान है वैसे ही अनंत गुणों में आचरण मेरी आत्मा का है वैसे ही अनंत गुणों में आचरण मेरी आत्मा का जैसे सर्व भगवान के आचरण से प्रकट हुई ये वाणी वैसे ही मेरे हृदय में आचरण को उत्पन्न हम करने वाली है। भैया ये चर्चा ये दिव्य देशना चर्चा का विषय थोड़ी ना है ये दिव्य देशना जिन भगवान के वचन चर्या का विषय है जहाँ आत्म रमणता प्रकट हो आत्म आनंद प्रकट हो आत्मा की अनंत सुख की वृत्ति प्रकट हो आत्मा का अनंत 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 जो बल है जो आत्मा में गुप्त है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर ऐसा अनंत 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 बल आत्मा की अनंत स्वसामर्थ जागृत हो आत्मा की स्वयं की अनंत स्वसामर्थ जागृत हो और आत्मा का जहाँ ऐसा स्वयं का सामर्थ्यवान स्वरूप उत्पन्न हो अर्थात आत्मा का उपयोग आत्मा का हृदय आत्म स्वभाव में चरण करे हृदय से ये आत्मा आत्म स्वभाव में चरण करे आत्मा आत्म स्वभाव में चरण करे ऐसी ये दिव्य ध्वनि जिन वैनम जयवंतम ऐसी ये दिव्य ध्वनि है ऐसा ये जिनभर भगवान का उपदेश है। यदि आप अपने आप को ये कसौटी पे कसना चाहते हो आप यदि अपने आप को ऐसी कसौटी पे कसना चाहते हो क्या कि हम जिन पर भगवान के उपदेश में उपदेश को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं आप अपने आप को ऐसी कसौटी पे कसना चाहते हो तो आपको स्वयं में अपने देखो आप स्वयं अपने में झांक के देखो क्या ये जिन भगवान के वचन जैसा जिन पर भगवान को आचरण हो रहा है जैसा वे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में विलस रहे हैं क्या वैसा ही आपके हृदय में स्वाभिमान बहुमान जय जयकार और रोमांच प्रकट हो रही है। यदि यदि जैसे वो अनंत गुणों में विलास कर रहा है वैसे ही अनंत गुणों का विलास वैसे ही अनंत गुणों की बहुलता अर्थात बहुमान और आचरण आपके हृदय में प्रकट हो रहा है वैसे ही जय जयकार आपके हृदय में प्रकट हो रही है तो आप यथार्थ में उस दिव्य ध्वनि को सुन रहे हो आप यथार्थ में उस दिव्य देशना को सुन रहे हो आप यथार्थ में उस दिव्य देशना में सुनने के लिए पात्र जीव हो यथार्थ में वास्तविकता में शब्दों से परे क्योंकि अब तो यहाँ स्वानुभव प्रमाण मुक्ति की बात है अब तो शब्दों से परे है ये देशना कि आप यदि आप स्वयं उन गुणों में आचरण अनुभव महसूस कर रहे हो कि हाँ वैसा बहुमान महसूस कर रहे हो कि कर्ता भोक्ता राग देश आदि के सारे प्रपंच से परे इन मोह राग देश कसाय इन सारे विकल्पों से परे मैं शुद्ध बुद्ध सुख स्वरूपी परमात्मा आनंद 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 परमानंद में मैं मुक्त आत्मा मैं त्रिकाली परमात्मा। यदि आपको ऐसे अपने ध्रुव शुद्ध पद का बहुमान उदित हो रहा है यदि आपको
अपने अंतरंग में ऐसे ध्रुव शुद्ध पद का स्वाभिमान और बहुमान स्पन्न हो रहा है। आपके हृदय में ऐसे गुण प्रतीति में आ रहे हैं कि अहो 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 अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये मेरी सत्ता है, ये मेरी सत्ता है। यदि आपको अपनी ऐसी स्वसत्ता का भान हो रहा है, परिचय प्राप्त हो रहा है कि अहो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, मैं आदि अनादि अनंत सद चेतन स्वरूप परमात्मा, यदि आपको अपनी ऐसी स्वसत्ता का परिचय प्राप्त हो रहा है अपने हृदय में, तो आप जिनभर भगवान की वाणी सुन रहे हैं, आप शब्द नहीं सुन रहे, आप दिव्य देश का सुन रहे हैं, आप दिव्य देश सुन रहे हैं, आप दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। क्यों भैया, क्यों दिव्य देश सुन रहे हैं? क्योंकि वो दिव्य देश अनंत गुण आचरण में है ना। अच्छा बताओ, सर्व भगवान का अनंत रसन है ना, सर्व भगवान का अनंत ज्ञान है ना, सर्व भगवान का अनंत वीर उत्पन्न है ना, सर्व भगवान का अनंत सुख उत्पन्न है ना, सर्व भगवान का अनंत केवल ज्ञान उत्पन्न है ना, सर्व भगवान का अनंत केवल दर्शन उत्पन्न है ना, वह आकर्ता है ना, वह आवक्ता है ना, तो वह जिन गुणों में है, जिन गुणों में वह रमण कर रहे हैं, उन गुणों का उद्घोष ही तो निकल रहा है उनकी दिव्यदेशना में। ओमकार वैनाथ, जो सिद्धम शुद्धम शुद्धम सिद्धम ओमकार मई, जैसे गुण उनमें है वैसे ही गुणों का नाद तो उनके सर्वांग से प्रभावित हो रहा है। जैसी शुद्धता उनमें विलस रही है वैसी शुद्धता तो उनके रोम रोम से, उनके सर्वात्म प्रदेशों से, सर्वांग से खिल रही है। भैया ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा के सर्वांग से, सर्वगुणों से, सर्वगुणों के आचरण में ही जो उनका नाद हो रहा है, दिव्य ध्वनि का नाद कहते हैं जिसे, वह दिव्य ध्वनि का नाद आप सुन रहे हो क्या? यदि आप कह रहे हो हाँ, तो भगवान क्या आपको भी अनंत गुण आपके हृदय में प्रकट होते हुए दिखाई दे रहा है? भैया क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भैया, ज्योत जल गई तो प्रकाश हुआ है। अब भैया प्रकाश हुआ है, प्रकाश हुआ है तो आपको उजाला दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप यदि प्रकाश हुआ तो उजाला दिख रहा है, यदि आपके आंखों में ज्योति है तो आपको प्रकाश तो दिखे, उजाला तो दिखेगा ही। तो ऐसे ही यदि वहां से अनंत देव देशना उन गुणों के आचरण से उत्पन्न होकर आई है और आप उसको सुन रहे हो, दिव्य देशना को सुन रहे हो, तो आपके हृदय में जैसा वो प्रकाश हो रहा है, आपके पास भी ज्योति है क्योंकि आप भी चेतन लक्षण में उपयोग वाले हो ना, आपके पास भी ज्योति है। यदि आपने सत्य का श्रद्धान ज्ञान किया है ना, तो आपके पास भी सम्यक की ज्योति है। तो भैया यदि आपके पास भी यदि ज्योति है, तो जैसा गुणों का वो उद्घोष कर रहा है वैसे गुण आप में इस समय विद्यमान है। क्या वैसा पिस्फुटीकरण आपके हृदय में हो रहा है कि अहो देखो देखो, एक जैसे कि सूर्य के उदय होने के होते ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे कमल अपने आप खिल जाता है। पहले उदाहरण दे चुके हम भैया, सूर्य उदित हुआ कमल खिल गया, ऐसा क्यों? भैया क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है, ये व्यवस्था ही ऐसी है। ऐसे ही अनंत केवल ज्ञान के प्रकाश से, अनंत गुणों के आचरण से यदि वहां से देवध्वनि का नाद हो रहा है, वहां से देवध्वनि का शंखनाद हो रहा है, तो आपका हृदय कमल खिल रहा है या नहीं खिल रहा? अर्थात आपके ज्ञान में ज्ञायक बना उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा? जब तो गुणों में आचरण माना जाएगा कि राग से भिन्न, द्वेष से भिन्न, कर्तृत्व से भिन्न, वक्तृत्व से भिन्न, जन्म से भिन्न, मरण से भिन्न, बोलने से भिन्न, बताने से भिन्न, चलने फिरने शरीर आदि संयोग से सबसे भिन्न, मैं अखंड वेद, बिल्कुल तिंकोटकीर्ण गाया ज्ञान स्वभाव, क्या आपके हृदय में ऐसे ज्ञान ज्ञान विज्ञान में अपने स्वपद का कमल खिल रहा है नहीं खिल रहा? आपकी कमलवत्ती से खिल रहा है नहीं खिल रही? आपका हृदय आनंदित हो रहा है या नहीं हो रहा? आपका हृदय रोमांचित हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि आपका हृदय रोमांचित हो रहा है, आपका हृदय आपका रोम रोम, आपकी आत्मा विगस रही है, आपकी आत्मा उलस रही है, आपकी आत्मा रंजायमान हो रही है ध्रुव पद में, ममल पद में, तो भगवान जी है भगवान जी। यदि आपकी आत्मा उलस रही है, विलस रही है, रंजायमान हो रही है, तो आपको भी वो आचरण प्रकट हो रहा है, आपको भी जिन्नात जिनवर पद की प्रकटता होने का काल आ गया। इसी को कहते हैं आचार तारंतरण स्वामी, इसी को आचार तारंतरण स्वामी कहते हैं, जिन पद आयो रे।
भैया क्या कहाँ आया जिनपद, अपने हृदय में जिनपद आ गया है। जिन्हों गर्व वास अवतरियो, अपने हृदय में गर्व अवतरण हो गया है। भैया कैसा गर्व अवतरण हो गया है, कि जिन भगवान की वाणी में जैसे अनंत दर्शन ज्ञान चरित्र सुख वीर अनंत का परिणमन घट रहा था, जैसे वो अनंत सुख में विलास कर रहे थे उनकी दिव्य देशना से, वैसे ही अनंत गुणों का विलास मेरे चित्त में घटने लगा, वैसे अनंत गुणों का आनंद मेरे चित्त में घटने लगा, वैसे अनंत गुणों का श्रद्धान ज्ञान, वैसे अनंत गुणों का आका बिल्कुल 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 निर्भयता से श्रद्धान ज्ञान मेरे चित्त में उमड़ने लगा, मेरे अंतरात्मा मेरे हृदय में वैसा दर्शन ज्ञान का जो अनंत अनंत प्रकाश है वो प्रकाश मेरा ही प्रकाश है, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान का आचरण प्रकट हो गया। श्रद्धान ज्ञान जोइन, श्रद्धान ज्ञान का आचरण प्रकट हो गया। तो भैया क्या हुआ, भैया जैसा अनंत गुणों का प्रकाश उनका हो रहा है वैसे अनंत गुणों का प्रकाश मेरा भी है, ऐसा श्रद्धान ज्ञान प्रकट हो गया। ये ऐसे श्रद्धान ज्ञान प्रकट होने से क्या हुआ, भैया ऐसे श्रद्धान ज्ञान प्रकट होने से, ऐसे शुद्ध श्रद्धान ज्ञान प्रकट होने से आपको, ऐसे निर्मल श्रद्धान ज्ञान के प्रकट होने से आपके हृदय में भी सिद्धों का जो लघु को लघुनंदन कहलाएगा, वे सिद्धों का लघुनंदन पना अर्थात आपके हृदय में भी क्या कहे उसे बीजारोपण हो गया काय का, केवल ज्ञान स्वभाव का आपके हृदय में भी केवल ज्ञान का बीजारोपण अंकुरित हो गया, आपके हृदय में भी अर्क सुअर्क में प्रकाश का अंकुरण हो गया। आचरण से आचरण मिलाएंगे ना, आचरण से आचरण मिलाएंगे ना, जिन भगवान के वचनों के आचरण से आपका आचरण मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ आचरण से आश्रम मिलाएंगे, क्योंकि वहां श्रद्धान ज्ञान का परिणाम श्रद्धान ज्ञान की प्रकटता रूप आचरण है, तो यहाँ भी आचरण से आचरण का मिलान होगा, यहाँ भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप ही परिणमन होना चाहिए। वैसे अनंत गुणों में आचरण से आचरण का मिलान होगा, आचरण से आचरण का मिलान होगा, कि जैसी महासत्ता जैसी अनंत जिनपद में, जैसी महासत्ता में वो सर्वक परमात्मा सर्वक देव विलास कर रहे हैं, वैसे ही अनंत महासत्ता में मेरी चेतना का अनंत विलास हो रहा है, वैसी महासत्ता में मेरी अनंत चेतना का विलास हो रहा है, मैं अनंत सुख स्वरूपी परमात्मा हूं। ये देखो 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 देखो, ये परम शक्ति उनकी दिव्य देशना में उत्पन्न होकर आया है, और इस सत्ता का सहकार होना ही सत्ता प्राण की जागृति है। बहुत अच्छे से चेतन, बहुत गहरी बात आ गई है। ऐसा अनादि से विद्वान है, ऐसा मेरा त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव अनादि से विद्वान है, ऐसा मेरा ज्ञान विज्ञान में अनंत सुख स्वभाव अनादि से विद्वान है, ऐसी मेरी शाश्वत सत्ता मेरा अस्तित्व अनादि से विद्वान है, ऐसी मेरी शाश्वत अध्रुव ऐसा मेरा शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वभाव ऐसा मेरा शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वभाव अनादि से विद्वान है, ऐसा अपने हृदय में ऐसा अपने ज्ञान में सहकारिता में आना, यही ममल पथ की प्राप्ति का कारण है, यही ममल पथ की प्रकटता का कारण है, यही ममल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, ममल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, यही ममल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। जैसे सर्व भगवान कह रहे हैं कि अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, इसी समय तेरी चेतना में अनंत अनंत तेरा केवल ज्ञान में इस ध्रुव पद तेरी शाश्वत सत्ता जो अनादि से अमिट है, अनादि से अनंत है और अनादि से विद्वान है, जो सत्ता जिनेन्द्र प्रभात्मा सर्वक देव कह रहे हैं, उस सत्ता का अपने हृदय में सहकार हो जाना किया हो, मेरा ऐसा परम अतीन्द्रिय चेवंत स्वभाव है, यदि ऐसी गर्जना आपके हृदय से आ गई तो आपके हृदय में अपनी सत्ता प्राण का जागरण हो जाए। कल अपने सुख प्राण की जागृति की बात करी थी ना, कि अनंत सुख प्राण वाला मेरा ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, आज ऐसा अनंत सत्ता वाला मेरा सत्ता प्राण वाला आत्मा है, सत्ता प्राण का बोध, अपनी सत्ता प्राण का बोध। देखो भैया, संसारी अज्ञानी मोही जीव अपनी सत्ता कायम मानते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे पैसे हैं, मेरा धन है, मेरा दौलत है, ये सत्ता नहीं, ये तो छड़वंगुर पदार्थ है, आयु का अंत होगा सब छूट जाएंगे, पुण्य पाप की वजह से सब मिला जाएंगे, कसाय है, राग है, द्वेष है, मन का अहंकार है, मन के विषयों का अहंकार है, इन 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 नश्वर पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो कर्मोदय से प्राप्त हुए हैं,
और सब परद्रव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे साथ पुण्य पाप की वजह से परिणमित हो रहा है। आज माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, सब आयु आयु कर्म के साथ है। जिसका आयु कर्म पहले आ जाएगा, जिसका आयु कर्म पहले खत्म हो जाएगा वो पहले चला जाएगा, जिसका आयु कर्म बाद में जाएगा वो बाद में जाएगा। और जो पुण्य पाप की व्यवस्था है, पुण्य का उदय रहेगा तो धन संपत्ति दौलत सब दिखाई देगी, और पुण्य का उदय नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब क्षणभंगुर पदार्थ है, ये तो सब नाशवान वस्तुएं हैं, इन इन वस्तुओं की सत्ता नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या कर रहा है कि इन नाशवान पदार्थों को, पुद्गल पदार्थों को, निमित्त संयोगों की सत्ता मान रहा है। जो निमित्त संयोग चल रहा है ना, द्रव कर्म, भाव कर्म, नव कर्म के संयोगों से जो निमित्त कर्म चल रहा है ना, जिनमें निमित्त रूप परिणमन चल रहा है, उन परिणमन उन पर्याय को जीव अपना मान रहा है, उनसे अहम कर रहा है। अब इन असत्य क्षणभंगुर नाशवान वस्तुओं की सत्ता मानने के कारण से इस जीव का अनादिकाल से काम आचरण हो रहा है अज्ञान में, और अज्ञान में आचरण हो रहा है। अज्ञान में आचरण होने से इसके अंदर अनंत गुण होने के बाद भी ये अनंत गुणों में विलास ना करके दुर्गुणों में, अवगुणों में आचरण कर रहा है। अवगुणों में आचरण चल कर रहा है मतलब मिथ्या दर्शन रूप आचरण कर रहा है, मिथ्या ज्ञान रूप आचरण कर रहा है, मिथ्या चरित्र रूप आचरण कर रहा है। करता हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ मैं, खिला रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं, चला रहा हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, पुरुष में हूँ मैं, ऐसे अवगुण दुर्गुणों में आचरण कर रहा है, अज्ञान भाव में आचरण कर रहा है। इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को नहीं देख पा रहा, चलने वाले स्वतंत्र परिणाम को नहीं देख पा रहा, और बल्कि स्वतंत्र परिणाम को ना देख नहीं देख पा रहा, बल्कि उस स्वतंत्र परिणाम को ना देखने के बाका नहीं देख पा रहा, इतना ही नहीं बल्कि उस स्वतंत्र परिणाम में अपने करने भोगने की दृष्टि लगा रहा कि मैं कर दूंगा, मैं बना दूंगा, मैं बिगाड़ दूंगा, मैं अच्छा कर दूंगा, मैं बुरा कर दूंगा, मुझसे अच्छा हो गया, मुझसे बुरा हो गया, ऐसा सुखी दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अज्ञान, 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 अज्ञान भाव, मन स्वभाव, ये चंचल मन इस जीव को अज्ञान भाव में जोड़ के इन नाशवान आद्रुप असत्य क्षणभंगुर विनाशिक एक एक समय की पर्याय में जीव को भ्रमित कर रहा है अज्ञान, अज्ञान होने से। तो भैया ये जीव को बोध करा रही जिन वाणी, जिन भगवान के वचन, दिव्य देशना, अनंत गुणों में आचरण से प्रकट हुई दिव्य देशना जीव को बोध करा रही है कि ये सारे पदार्थ क्षणभंगुर है, ये सारे पदार्थ तो विनाशिक हैं, ये दिखने वाला संसार तो माया का धोखा है, एक क्षण में मिला जाएगा चेतन आत्मा, एक क्षण में छीण हो जाएगा, लेकिन हे चेतन आत्मा, तेरे अंतरंग में अनादिकाल से अनंत शुद्ध, अनंत चेतन प्राणों का स्वामी, अनंत सत्ता का धारी, अपना अस्तित्ववान ब्रह्म स्वरूप जयवंत है, अपनी आत्मा अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वरूप चैतन्यमयी जयवंत सत्ता है, जयवंत सत्ता है, चैतन्यमय, चैतन्यमयी जयवंत सत्ता है। ये देखो बोध करा रही जिनवाणी, नित्य बोधनी है जिनवाणी, ये जिन भगवान की वाणी इस सत्य का बोध करा रही है। क्या हे चेतन, हे जीवराज, क्या तुझे ये सत्य सुनके तेरी आत्मा में, तेरे अंतरंग में हाँ है, मेरी सत्ता है, मेरा चेतनमय अस्तित्व है, मेरा अनंत गुणों में मेरा अनंत विलास है, मैं अनंत चतुष्टय का धारी, शाश्वत अखंड ध्रुव पद चेतन तत्व परमात्मा ही हूँ। क्या ऐसा बोध, क्या ये ऐसा बोध, क्या ये ऐसा अनंत गुणों का आचरण का बोध, क्या ये वाणी तेरे हृदय में करा रही है? क्या अपने सत्ता प्राण की जागृति आ रही है कि हाँ मेरा अस्तित्व ज्ञान विज्ञानमय चैतन्य है? भैया इस सत्ता प्राण का बोध आने के बाद ही जीव को ज्ञान ममल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीव का ज्ञान ममल होता है, जीव की डिट्ठी ममल होती है, दृष्टि ममल होती है। जब तक जीव को अपनी ऐसी स्वसत्ता, अपने ऐसे अस्तित्व का बोध नहीं आता, जब तक जीव को अंतर से स्वानुभव से ऐसे अपने अस्तित्व का बोध नहीं आता, तो पर का अहंकार करता रहता है, और पर का अहंकार करता है तो फिर राग भाव, देश भाव, कर्तृत्व भाव, कहने सुनने का भाव, लड़ाई झगड़े का भाव, दुख, आकुलता, ये सब पैदा होती है, चिंताएं, ये सब पैदा कब तक कब होती हैं? जब जीव को सत्ता प्राण की जागृति नहीं होती, और जब जीव को स्वसत्ता प्राण की जागृति होती है तो उसे स्वसत्ता कमलवत अपना गायक स्वभाव का भान होता है,
स्व आत्म सत्ता का जागरण होता है, और ये पर पर्याय जो चल रही संयोग में, ये सब भिन्न और मुझसे बिल्कुल भिन्न और सब नाशवान है, ऐसा जीव के ज्ञान में, उसके कमलवत ज्ञान में, उसके निर्लिप्त ज्ञान में, ऐसा सब पर्याय परिणमन असत्य भाषित होता है, और अपना शाश्वत तिंकोत्कीर्ण अस्तित्ववान चेतनमय प्रकाश अपने ज्ञान के आचरण रूप जयवंत होता है। क्या हो, जय हो, जय हो, जय हो, मेरे अद्भुत ज्ञान चेतनमय ध्रुव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंत 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 महिमा उत्पन्न होती, आत्मा से जय जयकार उत्पन्न होती, आत्मा अंतर हृदय से, अरे पता नहीं लगता कब जय जय निकलने लगती है अंदर से, पता नहीं लगता अंदर में हृदय कब नृत्य करने लगता है, पता नहीं लगता है अंतर आत्मा कब नृत्य करने लगती है, अंतर में अंतर आत्मा कब नाचने लगती है, अंतर में अंतर आत्मा कब प्रसन्न हो जाती है, सारे दुख कैसे क्षण में बिला जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कल देखो, कल अपन सुख प्राण की जागृति की बात कर रही थी ना, कि जहाँ अनंत सुख अनंत काल से भ्रस रहा है, ऐसा जीव को ज्ञान में स्वभाव का बोध होता कि अहो मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, ऐसा अनंत सुख मुझ में बिलस रहा है, सारे दुख अपने आप बिला जाते हैं। आज सत्ता प्राण की बात हो रही है कि अहो ऐसी शाश्वत निरंजन सत्ता का बोध होता है, जिस ऐसी शाश्वत निरंजन सत्ता का बोध होने से उसको ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, उसके ज्ञान में ममल स्वभाव का आचरण प्रकट होता है, ममल सत्ता का आचरण प्रकट होता है हृदय में, और जब ममल सत्ता का आचरण प्रकट होता है तो वो जीव जितने भी मल युक्त दुख थे, सारे क्लेश का ऐसे था, राग देश भाव से, मल भाव से, मलिन भाव से, अपने आप ही सारे क्लेश के भाव खत्म हो जाते हैं, और अपने हृदय में एक आनंद की, परमानंद की एक लहर उठती है, अहो सुखमय सत्ता में, अनंत सत्ता में, अनादि अनंत काल से जीवंत जयवंत, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, केवल ज्ञान में पद का स्वामी मैं, जिन जिन पर परमात्मा, एक आत्म स्वाभिमान प्रकट होता है, मैं तो ममल पद का धारी, जिनकी जिन ज्ञानियों के ज्ञान में ऐसे ममल स्वभाव का श्रद्धान उत्पन्न होता है, जिन ज्ञानी साधकों के हृदय में ऐसे ममल स्वभाव का अभेद ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञानी साधक जो ऐसे सत्ता के बोध से अलंकृत हो जाते हैं, वह ज्ञानी साधक इस संसार से सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, अर्थात संयोग में रहते हुए भी संयोगी भाव से भिन्नता महसूस होने लगती है, सारे कर्म बंधन, सारी कीट कालिमाओं से भिन्न, अपना निर्विकार निरंजन स्वभाव प्रतीति में झूलता है कि अहो मैं तो अनंत सत्तावान, जैसा सर्व भगवान का स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही अनंत गुणों में मेरी स्वचेतना प्रकाशित हो रही है, परमानंद सा दृष्टा विन्द स्थाने तिष्ठन्ते, परमानंद सा दृष्टा, काय का क्या स्वरूप है मेरा, परमानंद सा दृष्टा, मैं परमानंद सा देखने वाला हूँ, परमानंद को ही देखने वाला हूँ, आप बताओ आप काय का दृष्टा हो, संसार क्या है परमानंद, अरे जिनवर भगवान ने परमानंद स्वभाव कहा है, जो अपने में आनंद आनंद चयानंद सहजानंद रूप प्रकट हो रहा है, जो अपना परमानंद स्वभाव ही है, वर्तमान में नंद आनंद चयानंद सहजानंद रूप जो प्रकट हो रहा है, जो अपना पूर्ण वीतराग में चिदानंद स्वभाव ही है, ऐसे परमानंद सा दृष्टा, क्या ऐसे परमानंद की दृष्टि दिखाई दे रही है आपको, बताओ सही सही बताओ, अपनी अंतर आत्मा से चलो, आज फिर चलो वापिस चलो, आज जैसे अपने कल सुख प्राण को अंतर हृदय स्वीकार किया था ना, वैसे आज फिर हृदय की अनंत गहराइयों में जाओ, अनंत हृदय की अनंत 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 गहन अंदर में, अनंत गहन गुफा में जाओ, अपनी हृदय की अनंत गहरी गुफा में उतरो, और अपने हृदय की अनंत गहरी गुफा में उतर के एक बार जैसा सर्व भगवान कह रहे हैं कि तेरा अस्तित्व शाश्वत सनातन ध्रुव अनंत केवल ज्ञान सूर में प्रकाशित हो रहा है, वैसा ही अपने हृदय की अनंत गहराई में उतर के वैसा ही स्वीकार करो कि हाँ मेरा अस्तित्व ऐसा प्रकाशित हो रहा है, वैसे प्रकाशवान स्वभाव का स्वामी, स्वसत्ता का स्वामी, केवल ज्ञान मैं स्वरूप ही हूँ,
सब पर पर्याय से भिन्न हूं, ये पुद्गल परिणमान ये मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता तो अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही, मेरी सत्ता तो अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही, मेरी सत्ता तो अनंत प्रकाश पुंज ध्रुव स्वभाव है, मेरी सत्ता पर पर्याय परिणमन है ही नहीं। क्या तुम्हें अपनी ऐसी स्वसत्ता का बोध हो रहा है? स्वामे स्वसत्ता का बोध, भगवान जी जब स्वामे ऐसी विरस्ती हुई अपनी स्वसत्ता का बोध होगा तभी तुम ममल स्वभाव के अनुभव कर पाओगे। सब कर्मों से तुम विचार तो करो कैसा आनंद आता है, देखो राग देश कसाय इसमें दुख तो बहुत भोग चुके, एक बार तो देखो कि अपने ज्ञायक स्वभाव में निमग्न होने में कैसा आनंद आता है, कैसा सुख मिलता है। कब से भोग रहे हो राग भाव को, कलेश भाव को, दुखों को, चिंताओं को, पीड़ा को, एक बार तो देखो कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आचरण करने में कैसा सुख मिलता है, कैसी निर्भरता आती है, कैसी शांति प्रकट होती है, कैसा परम आनंद चित्त से उमड़ता है, कैसी शाश्वत सत्ता का बोध होता है कि ओ ओ ओ मैं तो शाश्वत चेतन स्वरूपी परमात्मा, कैसा 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 है अपने शाश्वत सत्ता का बोध प्राण, एक बार तो देखो कि अपनी शाश्वत सत्ता का प्राण जागृत होने पे कैसा महसूस होता है। अरे अनादिकाल से आत्मा मरी हुई है, आत्मा मरी हुई मतलब तुम्हारे उपयोग में मरी हुई है, अर्थात आत्मा होते हुए भी तुम आत्मा की सत्ता को नहीं जान पाए तो आत्मा का भाव मरण हो रहा नहीं हो रहा, तुम्हारी आत्मा मर गई है चेतन, मर गई है मतलब भैया जी अभी जी तो रही है, कहाँ संसार भाव में जी रही है, मृत के समान हो रही है, अनंत काल से पीड़ा भोग रही है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो सुख है, आत्मा का स्वभाव तो आनंद है, आत्मा का स्वभाव तो चैतन्य प्रकाश है, आत्मा की सत्ता तो अनंत गुणमयी है, आत्मा तो जीवंत है, जयवंत है, सुख है, शाश्वत सत्ता का स्वामी है, शाश्वत सुख का पुंज है, शाश्वत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का विलास है, स्वयं में विलसता उलसता हुआ अनंत केवल ज्ञान में पद का स्वामित्व है। तुम्हारी आत्मा तो अनंत सत्ता में स्वभाव है, अनंत सत्ता में स्वभाव है, तुम्हारी आत्मा तो अनंत सत्ता में स्वभाव है। चेतन यदि सच्चे सुख को चाहते हो तो अंतर हृदय की अनंत गुप्त गुफा में जाके देखो, अंतर हृदय की मन की बुद्धि के विचारों से परे, बुद्धि के निर्णय से परे, मन के चलने वाले विचारों से परे, क्या होगा क्या नहीं होगा इन सब चिंताओं से मुक्त एक बार हृदय की अनंत निधि में उतर के देखो कि तुम्हारे हृदय की अनंत निधि में ऐसी शाश्वत सत्ता ऐसी पल प्रकाशित हो रही है। एक बार ये तुम हृदय की गहराई में इस शाश्वत सत्ता का प्रकाश ऐसा अनंत जिन वचनों का आचरण अनुभव कर लोगे तो तुम भी ऐसे परम सुख को पा जाओगे, तुम्हारा भी शाश्वत सत्ता का प्राण जयवंत हो जाएगा, तुम्हारा भी तुम्हारी शाश्वत सत्ता का प्राण जयवंत हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारी ममल आत्मा तुम्हें जो तुम्हारी ममल आत्मा है तुम्हें कर सब तुम्हारी सर्व कर्म रहित ममल आत्मा का बोध आ जाएगा क्या हो सर्व कर्मलों से रहित मेरी आत्मा तो ममल है, मेरी आत्मा में कोई विकार शरीर विकार नहीं दिखेंगे, ना रोग दिखेगा, ना शोक दिखेगा, ना पीड़ा दिखेगी, ना पुत्र दिखेगा, ना परिवार दिखेगा, ना घर दिखेगा, सबके बीच में रहते हुए सर्व से मुक्त एकदम हल्कापन एकदम निर्भारपना, हृदय में जो भारीपन है ना वो भारीपन कर्तत्व का भुक्तत्व का कसायों का राग देश का वो सारा भारीपन उतर जाएगा और आत्मा हल्की हो जाएगी एकदम ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम्। ओंकार से ऊर्ध्वस्य ओंकार स्वानुभव में अनुभूति में रंजायमान अपने स्वानुभव में विलास करने वाला ओंकार में ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वगामी सत्ता ज्ञान विज्ञान में आचरण करने वाला ऊर्ध्वमुखी स्वभाव जो सद्भाव शाश्वतम जो तुम्हारे अंदर में अनादि सत्ता के रूप में विद्यमान है, कहाँ है विंद स्थाने तिष्ठति तुम्हारे हृदय में तिष्ठा हुआ, तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा निर्विकल पद तिष्ठा हुआ है, विंद स्थाने तिष्ठति तुम्हारे सिद्धत्व में तुम्हारा सिद्ध स्वभाव तिष्ठा हुआ है,
तो भैया क्या करे, ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम, ऐसे ज्ञान मय अपने शाश्वत ध्रुव सत्ता स्वभाव को अपने स्वानुभव में उत्पन्न करो। करना है कुछ तो हाँ, ऐसा मेरा ममल स्वभाव मेरे अंतर में उत्पन्न है जयवंत है, ऐसी अंतर हृदय से गहन स्वीकारता करो, अपने स्वसत्ता प्राण की जागृति करो। यदि आप इस स्वसत्ता प्राण की जागृति कर लोगे तो ये पर के नाशवान पदार्थों का सुख दुख आपको नहीं होगा, मन के सुख दुख से परे हो जाओगे, संसार के परिणाम से परे हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, भगवान परमात्मा हो जाओगे, मन के सुख दुख तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, मन के सुख दुख तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, तुम्हें आनंद 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 अपना आनंद में स्वभाव ही दिखाई देगा, अपना आनंद में स्वभाव ही दिखाई देगा कि हो मेरी आत्मा तो अनंत सोम्य अनंत शांत अनंत शून्य अनंत निर्विकार और अनंत अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी बिल्कुल बिल्कुल साम्य भावमयी है, समता भावमयी है, जिसमें अनंत शांति का रस बहरा है, अनंत आनंद का रस बहरा है, ऐसा मेरा आत्मा तो सर्व विकल्पों से मुक्त निर्विकल्प 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 आनंद स्वरूप ही परमात्मा, इसी स्वसत्ता का प्राण जागृत करो। अच्छा बताओ ऐसा स्थित है या नहीं है, ऐसा सुंदर बिंद स्वभाव है या नहीं है, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के अंदर केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत प्रकाशित हो रहा है, वैसा तुम्हारी आत्मा में है या नहीं है। हे भगवान हे प्रभु, जब जैसे अनंत गुण सर्वज्ञ भगवान के अंदर में उनके हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, जब ऐसे ही अनंत गुण तुम्हारे हृदय में है तो फिर तुम उन गुणों को क्यों नहीं देखते, उन जिन वचनों रूप उन गुणों में आचरण करो, अनंत केवल ज्ञान की प्रकटता स्वयं हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी। यहाँ नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना भगवान, जैसे वहां है वैसे यहाँ है, जैसे अनंत सिद्धत्व वहां उनकी आत्मा में है वैसे अनंत सिद्धत्व मेरी आत्मा में है, जैसी अनंत सत्ता उनकी सारी अनंत काल तक जीवंत रहने वाली है, जैसे वो अनंत सिद्धत्व में अनंत काल तक विलास करने वाले हैं, वैसे ही मेरा आत्मा भी जिसको अपनी स्वसत्ता का बोध हो गया है, वैसे ही मेरा आत्मा भी मेरे अनंत सिद्धत्व में अनंत काल तक विलास करने वाला है। अब जिसका आत्मा अनंत सिद्धत्व में अपनी स्वसत्ता में अनंत काल तक विलास करने वाला है, उसे संसार में क्या जन्म मरण हो रहा है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस संसार से लेना देना टूट जाएगा, आप सर्व सुखी हो जाओगे। जब तक संसार में लेना देना है तब तक आत्मा दुखी, क्योंकि कुछ लोगे संसार से तो कुछ देना पड़ेगा, राग करोगे तो देश होगा ही होगा, मोह करोगे तो दुख होगा ही होगा, ये कसाय करोगे तो पीड़ा बंधन तो होंगे, कर्मों के बंधन तो बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए संसार में कुछ भी लोगे दोगे, लोगे एक तो दो देना ही चुकाना ही पड़ेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। इसलिए भैया मैं कर्ता भोक्ता ही नहीं हूं, अकर्ता और अभोक्ता अपने ममल स्वभाव का स्वीकार करोगे तो इन संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और इन सारे बंधनों से मुक्त कराने वाला है एक अपना स्व समय में शुद्धात्मा। एक बार अपनी इस स्वसत्ता का स्वीकार तो करो, एक बार अपनी ऐसी स्वसत्ता का स्वीकार तो करो कि ऐसी मेरे स्वसत्ता में प्राण मेरे अंदर में विद्वान है। निर्भय होकर स्वीकार करो जिन भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान की वाणी में आया है, और जिन भगवान के वचन सत्य है ध्रुव और जब जिन बड़ भगवान की वाणी में आया है तो ऐसा मेरा स्वभाव जयवंत है। ये गर्जना जिस दिन तुम्हारे अंदर में फूट जाएगी उस दिन से सारा कलेश भाव बिला जाए, उसी समय से तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, इन संयोगों में रहते हुए कमल की तरह गायक और निर्लिप्त हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे अंदर कमल भाव की उत्पत्ति ममल भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। मेरा आत्मा ममल स्वभावी परमात्मा, ममल भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, कमल भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, हृदय कोमल हो जाएगा, हृदय कसायों से कठोर है, कसायों से कसा हुआ इसलिए कठोर है,
हृदय कसायों की पकड़ तोड़ेगा, स्वभाव में आचरण करेगा, तो ज्ञायक का ज्ञायक के परिणाम अपने आत्म स्वभाव की परिणतियां प्रकट होंगी, तो आत्मा कोमल हो जाएगी, कोमल हृदय कोमल हो जाएगा, हृदय कोमल होगा तो उसमें अनंत समता और शांति का रस झरेगा, अनंत 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 सुख का रस झरेगा। संयोगों के बीच में रहते हुए भैया दुख कसाय कसाय करते हैं ना अपन, तो दुख दुख क्यों झरता है उपयोग में, कसाय दुख देता है, कसाय दुख का कारण है, कसाय दुख का कारण है। तुमने परिभाषा बचपन में नहीं पढ़ी पाठशाला में, दुख का कारण क्या है, कसाय। जब तक जीव कसायों में एकमेक रहता है तब तक उपयोग में दुख झरता है, दुख का वेदन होता है, क्योंकि कसाय आत्मकस्ती है, राग देश की कसाय आत्मकस्ती है, और जब राग देश की कसाय आत्मकस्ती है तो आत्मा का दुख होता है। सर दुखने में दुख नहीं होता, सर से अपना उपयोग जुड़ा है इसलिए दुख होता है, अर्थात सर सर में सर दर्द के समय में अपनी कसाय तीव्र है इसलिए अपने को दुख होता है। देखो अच्छा भीतरागी मुनि राज को कोई आग लगा दे उनका पूरा शरीर जल रहा लेकिन उन्हें दुख नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनके उपयोग उस शरीर से जुड़ा नहीं है लेकिन शरीर जल रहा है, दुख क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कसाय का तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है इसलिए दुख नहीं। भैया अपने को एक फांस भी चुप जाती है, कोई कुछ कह भी देता है, कोई जरा सा कुछ भी कर देता है तो अपने को दुख होता है, कोई कुछ नहीं सुनता तो अपने को दुख होता है, क्यों होता है, क्योंकि अपने को कसायों का सद्भाव है, अपना उपयोग कसायों में रमण कर रहा है इसलिए अपने को अनंत दुख होता है। भैया अब अनंत दुख से मुक्ति का क्या उपाय है, आप कसाय भाव से मुक्त हो जाओ, आप सारे दुखों से अपने आप ही दुखों से मुक्त होने का उपाय है, आप कसाय से मुक्त हो जाओ, आप अज्ञान भाव से मुक्त हो जाओ, आप सारे दुखों से अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए भैया कसाय भाव से मुक्त होने का, दुखों से मुक्त होने का एक उपाय है, यदि आपको आपके अंतरंग में अपने शाश्वत कमलवत निर्लिप्त ज्ञान का मैं सौ समय शुद्धात्मा हूँ ऐसी सत्ता प्राण का बोध हो जाएगा, अपनी ज्ञान में सत्ता का बोध हो जाएगा तो अज्ञान भाव से उत्पन्न होने वाली कसाय अपने आप ही बिला जाएंगी, और अज्ञान भाव से उदित होने वाली कसाय बिला जाएंगी तो आपके हृदय में समता शांति भाव का अनंत रस अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप ही अनंत रस उत्पन्न हो जाएगा, अनंत रस। तो ये कौन ने कहा, ये सत्य जिनेन भगवान ने कहा, ये सत्य भाई किसने बताया है, सर्वज्ञ देव ने बताया है, आपको स्वीकार है या नहीं आप बताओ, ये सत्य सर्वज्ञ देव ने कहा है, ये देव ध्वनि में आया है सत्य, यदि आपको स्वीकार हो तो आप इसमें रोमांचित हो जाओ, यदि आपको स्वीकार हो तो आप इसमें आनंदित हो जाओ, यदि आपको स्वीकार हो तो आप इस स्वसत्ता चेतन प्राण को अपने अंदर में जागृत कर लो, आपके अंदर में ये अपना सत्ता प्राण बना बनाया अस्तित्व जिसमें अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, जो शाश्वत अनादिकाल से ध्रुव है, जो अनंत 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 गतियों में तुम परिभ्रमण करते रहे उसके बाद भी जिसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जिसकी शुद्धता खत्म नहीं हुई, जिसमें अनंत केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अभी भरा हुआ है, ऐसा परमात्मा चेतन सत्ता प्राण अपने अंदर में अभी भी जयवंत और जीवंत है। तुम अभी आली इसका अपने ज्ञान में सहकार कर लो ना तो अभी आली तुम्हें ममल भाव उत्पन्न हो जाए, अब भी यही बैठे बैठे सब भाव से निर्लिप्त ममल भाव नहीं तो कमल भाव तो अभी लगे हाथ ज्ञायक भाव तो अभी आली उत्पन्न हो जाए, ज्ञायक स्वभाव तो अभी आली उत्पन्न हो जाए, और ज्ञायक भाव उन्हीं को उत्पन्न होता है जिन्हें ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाती, ममल स्वभाव की दृष्टि तत्काल होगी उत्पन्न, हो मेरी सत्ता मेरी बनी बनाई अनादि निरंत शाश्वत सत्ता आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम है मेरा सत्ता प्राण जो अनंत काल से शुद्ध था और अनंत काल तक शुद्ध, जिसकी सत्ता जिसकी शाश्वत सत्ता अनंत काल से थी वो सादी अनंत काल तक, जिसकी शाश्वत सत्ता भैया जी अनंत काल से थी और सादी अनंत काल तक रहेगी, जो जन्म मरण के भेद से सदा ही परे है, याद रखना भगवान जी, जो जन्म मरण के भेद से सदा ही परे है, जो संसार परिभ्रमण से सदा ही परे है, जो अपनी सोच विचार से सदा ही परे है, जो इन आकार आकृति पुद्गल रूप वर्ण से सदा ही परे है, जो सदा से निर्विकार निराकार चैतन्यमय ब्रह्म स्वरूप है,
वो सदा ही शाश्वत सुख का भंडार है, वो सदा ही अपने अस्तित्व से, अपने अस्तित्व में ही परिपूर्ण परमात्मा है। उसकी ध्रुव सत्ता उसमें ही विलस रही है, उसका अस्तित्व उसमें ही विद्यमान है। उसके लिए किसी पर के अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना ही, मुझ में ही, मेरा ही परिपूर्ण स्वभाव है। जब जो मेरा अपना ही, मेरा शुद्ध, जो शुद्ध मेरा अपना ही, मेरा ही परिपूर्ण स्वभाव हो, उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता है। पक्का स्वीकार अच्छे से अंतर से, यदि अंतर से यदि ऐसी जागृति आ जाए आपको ज्ञान में, अंतरंग से आपको ऐसी अपनी स्वसत्ता की जागृति आ जाए, अंतरंग से आपको ऐसे अपने शाश्वत पद की जागृति आ जाए कि हाँ मैं ऐसा शाश्वत सत्य पद वाला हूँ, हाँ मैं ऐसा शाश्वत शुद्ध पद वाला हूँ, हाँ मैं ऐसा शाश्वत शुद्ध पद वाला हूँ, यदि आपको ऐसे अंतर से अपने शाश्वत शुद्ध पद की जागृति आ जाए तो भगवान जी क्षण मात्र में सारे कर्म काल में बुला जाए, क्षण मात्र में सारे दुख, अनंत काल के दुख क्षण मात्र में मिला जाएंगे और आपकी आत्मा इसी पल अनंत सुख और अनंत शांति का वेदन करेगी। अनंत असीमित, असीमित अनंत, अनंत सुख और अनंत शांति का वेदन होगा। यही मन में भी बहुत शांति और समता चलेगी, अनंत कर्म प्रकृति अच्छे हो जाएंगी ना, मन उलझा रहता कर्म का साय में, जब तत्व का चिंतन, तत्व का मनन और तत्व स्वरूप की स्वीकारता हृदय से होगी, मन भी उन प्रपंचों से, संसार के प्रपंचों से मुक्त होके तत्व की आराधना में, तत्व की भक्ति में लगेगा ना, मन भी अतीन्द्रिय का सहकार करेगा ना, मन भी जब स्वसत्ता स्वसमय की स्तुति करेगा ना, तब देखो मन में कितना रस आता है। अरे तुमने जीवन भर जितने विषय कसाय भोग है ना, सुनो एक कार्य चंके की चोट पे कह रहा है, जितने जीवन भर तुमने विषय कसाय, पैसा, धन, भोग, इंद्रिय का सुख भोगा है, जितना अनंत काल का भोगा हुआ है पुद्गल का सुख, जिसे मन अनादिकाल सुख मानता है, जितना सुखी मन इनको जीवन भर भोग के नहीं हुआ, यदि मन एक समय के शुद्धात्मा के अतीन्द्रिय के सहकार में लगेगा तो उससे अनंत गुना सुख मन को एक समय मिलेगा, मन को भी। तुम तो आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव के सुख की बात तो छोड़ो, मन को भी एक समय में उससे अनंत गुना ज्यादा सुख मिलेगा, अनंत गुना ज्यादा मन को भी। इंद्रिय विषय कसाय में जो जीवन भर में नहीं मिला, जो अनंत काल में नहीं मिला, वो सुख उससे अनंत गुना सुख एक समय का ध्रुव स्वभाव का सहकार करेगा ना मन, अतीन्द्रिय का निष्प्रय होके, सब कसायों से मुक्त होके, तो मन को भी उससे अनंत ज्यादा गुना को सुख मिलेगा। फिर मन स्वयं कभी विषय कसाय की तरफ नहीं जाएगा। ये तो साधक की, ज्ञानी साधक की बात हो गई, बहुत गहरी बात हो गई है। जिनका मन भी, गुरु महाराज का मन देखो, मन हर्षियले, गुरु महाराज आपका मन काय का आनंद ले रहा है, काय में हर्षायमान हो रहा है, जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, उनके मन को इतना मुक्त मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय में आचरण करने में, अपने आत्म देशों में रमण करने में, उनके मन को इतना रस मिल रहा है, इतना रस मिल रहा है, इतना रस मिल रहा है, इतना मन रस मिल रहा है कि मो मन हर्षित और रोमांचित होकर समा नहीं रहा। तो भैया तो क्या क्या कहना चाह रहा है आप, विशेष सुखों में रस नहीं है, संसार में रस नहीं है, राग देश में रस नहीं है। यदि मन एक पल के लिए अतीन्द्रिय का स्वभाव का सत्ता का स्वीकार करता है तो उसमें अनंत रस है। अब स्वीकार तो करो, जिन भर भगवान की वाणी में आया, अरे संसार का रस, विषयों रस का रस पीकर दुखी हो गए तो अनंत काल देख लिया, दुर्गति हो भोग के तो अनंत काल देख लिया, एक बार अतीन्द्रिय में सुखी होकर तो देखो, यदि अनंत रस मिले, अनंत समता मिले, अनंत शांति मिले और अनंत सुख मिले, तो फिर अपना लेना, फिर कभी मत छोड़ना। एक बार तो चखो, एक बार तो उतरो अनंत गहराई में, एक बार तो डूबो निज में, एक बार तो समाओ आत्मान, एक बार चख लोगे तो फिर कभी वापिस नहीं आओगे। एक बार चख लोगे तो फिर कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। एक बार यदि पी लोगे अमृत तो फिर कभी बिस्का पान नहीं करोगे कसायों के राग देश। एक बार तो चख लो इस शाश्वत आनंद के प्याले को, एक बार तो चख लो चेतन इस अनंत 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 सुख को, एक बार तो ग्रहण करो ऐसा शाश्वत सत्ता स्वरूप मेरा परम अतीन्द्रिय स्वभाव है और है, उसका किसी पर पर्याय से कोई संबंध ऐसी ललका, ना भय, ना मन का भय, ना बुद्धि का भय, ना कोई भय, अंदर से है मतलब है,
जहां अंदर से ऐसी ललकार निकलती है, अंदर से ऐसी स्वीकारता निकलती है, वहां सारे कर्म का साय अपने आप ही भिला जाते हैं। वहां सारे भय भय, सारे कर्म, सारी कसाय, सारे प्रपंच अपने आप ही भिला जाते हैं और आत्मा आनंदित हो जाती है, आत्मा रोमांचित हो जाती है, आत्मा स्व समय को पहचान लेती है, आत्मा में स्व सत्ता अर्थात अपने अस्तित्व का बोध आता है। अस्तित्व आत्मा का अस्तित्व अनादि से स्थित है, चेतन आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो अनंत गुणों का पुंज है। ये आत्मा का अस्तित्व तो अनादि अनंत काल से विद्यमान है। हे चेतन आत्मा, एक बार इस स्वसत्ता का सहकार वर कर लो बस, एक बार इस स्वसत्ता का सहकार वश कर लो बस, एक बार इस सत्ता का, एक बार अपने हृदय में एक बार इस स्वसत्ता का सहकार कर लो, एक बार इसे हृदय से स्वीकार कर लो, अनंत काल के अनंत दुख एक क्षण में छीण हो जाएंगे। ऐसा अनंत सुखमय सत्ता स्वरूप मेरा ज्ञान अमृत कुंभ से भरा हुआ, मेरा शुद्ध स्वसमय शुद्धात्मा, मेरा शुद्ध स्वसमय शुद्धात्मा, मेरा शुद्ध स्वसमय शुद्धात्मा। कोई प्रपंच नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सब प्रपंचों से परे आदि अनादि, आदि अनादि से शुद्ध, आद्यम अनादि शुद्धम, सदा सदा से ही शुद्ध, ऐसा मेरा वीतराग तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमय स्वभाव। ऐसी भैया, ऐसी अपनी चेतना की महिमा है। किसने कही? सर्व भगवान ने। किसने जानी? भव्य आत्मा ने। कहां से निकली? सर्व भगवान के अनंत गुणों के विलास से ऐसी महिमा ओमकार की ध्वनि से निकली। किसके हृदय में गई? भव्य अंतरात्मा के हृदय में गई, भव्य जीव के हृदय में गई। क्या प्रकट हुआ? जैसा अनंत स्वभाव केवली परमात्मा को प्रकट था, वैसे अनंत स्वभाव का सहकार उस भव्य जीव के हृदय में प्रकट हो जाएगा। वही प्रकट होगा जो कहा है ना, वही तो प्रकट होगा। जो सर्व भगवान ने कहा है ना, जो स्वीकार किया वही तो प्रकट होगा। अनादिकाल पुत्र परिवार को स्वीकार कर रहे थे तो राग देश प्रकट हो रहे थे। अब जिन वचनों को स्वीकार करोगे, स्वसत्ता को स्वीकार करोगे, तो आनंद के अलावा और कुछ प्रकट होने वाला नहीं। याद रखना, सुख की उत्पत्ति की खान तो मेरे ममले ममल स्वभाव से ही, सुख तो अपने आत्मा से ही प्रकट होगा। भगवान जी जब भी होगा, जहां भी होगा और जैसे भी होगा, सुख तो अपनी आत्मा से ही प्रकट होगा। अपनी स्वसत्ता, अपने आनंद परमानंद में स्वभाव के सहकार से ही सुख प्रकट होगा। पर पर्याय से सुख कभी प्रकट होने वाला तीन काल में भी संभव नहीं कि इस पुद्गल से कभी सुख प्रकट हो जाए। इस पुद्गल से पुण्य पाप प्रकट होंगे, और पुण्य पाप कभी पुण्य रहेगा तो कभी पाप रहेगा। पुण्य रहेगा तो मन सुखी होगा, पाप रहेगा तो मन दुखी होगा। लेकिन वो मन स्थायी नहीं रह पाएगा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, पागलों की तरह भटकता रहेगा, कभी पुण्य में कभी पाप में, कभी पुण्य में कभी पाप में। पर एक बार स्वसत्ता का स्वीकार हो जाए, एक बार स्वसत्ता का सहकार हो जाए, तो उस मन को भी शाश्वत स्थायी ठिकाना मिल जाए, अपना अतीन्द्रिय परमात्मा, जिन भगवान के वचन। मन को भी शाश्वत ठिकाना मिल जाएगा, शुद्ध ठिकाना मिल जाएगा। और जब मन को भी शुद्धता का ठिकाना मिल जाएगा, तो मन भी रोम रोम से हर्षाएगा। अनंत अनंत सत्ता प्रकट हो जाएगी। भगवान अनंत 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 स्वभाव, अपना अनंत 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 स्वभाव। जैसा सर्व भगवान के अनंत गुणों से उत्पन्न हुआ, वैसा ही जैसा केवली परमात्मा के अनंत दैतिक प्रमाण केवल ज्ञान ज्योति से प्रकट हुआ, वैसा ही मेरा परम दैतिक प्रमाण चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव, शुद्ध 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 और शुद्ध, शुद्ध के अलावा और कुछ भी। ये ऐसी ऐसी अंतरंग से, ऐसी अंतरंग से अपने स्वभाव की स्वीकारता हो भगवान। सही कह रहा है, कुछ नहीं करना, सही कह रहा है, सत्य सत्य कह रहा है। मान लो जिन पर भगवान की बात,
जिनेन भगवान का उपदेश है कि ऐसा अस्तित्व, ऐसी कायम, ऐसी वीतराग सत्ता अभी तुम्हारी तुम्हारी है, तुम हो अभी ऐसे सिद्ध स्वरूपी। बस बात इतनी सी है कि तुम स्वीकार नहीं करते तो दुखी हो, और स्वीकार करोगे नित्य नित्य ऐसे स्वरूप में आचरण करोगे तो आत्मा का स्वभाव सुख, क्योंकि ज्ञान प्रमाण सुख। जितना जितना आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, जितना जितना आत्मा की अनुरक्ति प्रकट होगी, जितना जितना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का विश्वास, अपने कमलवत ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का विश्वास उदित होगा, उतना उतना ये जीव समस्त प्रपंचों से मुक्त हो जाएगा। भैया प्रपंचों से मुक्ति तो मोक्ष है, सही बात है। राग देश रूप, कर्तत्व रूप, संसार में अपना मान्य रूप, इन प्रपंचों से मुक्ति ही तो मोक्ष है। जब तक इन्हें अपना मान रहे हैं, जब तक बंधन। और अब भी अली कह दो, लेना ना देना, मगन रहना, सब मई के मई पड़े रहेंगे लेकिन अपन मुक्त। अच्छा बताओ, कमल को कीचड़ से भिन्न होने के लिए क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता कमल को कीचड़ से मुक्त होने के लिए, क्या करना पड़ता? कमल अपनी डंडी के सारे ऊपर उठ जाता है, उठा रहता है ऊपर, खिला रहता है, तो कमल उस कीचड़ से ऊपर उठा रहता है, खिला रहता है, तो कीचड़ की बदबू से, कीचड़ की गंदगी से अपने आप ही वो तो पिस्फुटित होता है, खिला रहता है, खुला रहता है, तो अपने में सबसे भिन्न रहता है, उसकी खुशबू भी बनी रहती है, उसका आनंद भी बना रहता है, और हजार कितने कीचड़ पड़ी हो लेकिन उसमें से आपको कीचड़ की महिमा कभी आती क्या? अब कीचड़ में यदि कोई कमल खिलाता, कीचड़ को देखोगे, कमल को देखोगे, आनंद काय को देखने में आएगा? कीचड़ की बदबू सूंघने में आएगा, कमल की सुगंध सूंघने में आएगा? सही बात है ना, कमल की महक ही फैलेगी ना, कमल में ही आनंद आएगा ना। भैया ऐसे ही संसार के कितने ही प्रपंच चल रहे हो, कर्म देके संसार में कितने ही संयोग अच्छा या बुरा हो, कितनी विपरीतताएं हो, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, आपका ज्ञान जब इन अनुकूलता प्रतिकूलता से ओमकार दस ऊर्धस, जब ऊर्ध ऊर्ध ऊपर की ओर उठ जाता है कि मैं तो इन पर्याय परिणाम का कर्ता भोक्ता हुई नहीं, मैं तो कमलवत गाया ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही। तो संयोग में कितने ही प्रपंच चल रहे हो लेकिन अपने आत्मा का आनंद, अपनी आत्मा की महक, अपनी स्वसत्ता चेतन प्राण का बोध तो अपने में बढ़ता रहता है, और सारे प्रपंच जहां के तहां। इसलिए भैया मुक्त होने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब तो छूटा छुटाया ही है, बस इस सब से, इस सब इस मुर्दा से भिन्नता हो जाए, समझ लो सब छूट गया। इस पुद्गल परिणमन से भिन्न मैं निराकार अवेद तिंकोत्कीर्ण शाश्वत शुद्ध प्राण वाला चैतन्यमय भगवान आत्मा ही, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध, मैं किसी का कर्ता भोक्ता स्वामी, मुझे किसी से कुछ लेना देना, मेरा आत्मा तो सुख स्वभावी परमात्मा ही, मेरा ऐसा अस्तित्ववान शाश्वत सुख प्राण मेरे अंदर में बस, मेरी शाश्वत सत्ता मुझ में विद्वान, और ऐसी अखंड शाश्वत सत्ता को मैं अंतर हृदय से स्वीकार करता हूँ, करता हूँ और करता हूँ। मेरी शाश्वत अखंड सत्ता जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बोलिए ऐसे शाश्वत शुद्ध स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जै हो।